नमस्कार बच्चों, केस क्लासेस में वीडियो में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लिनियर इक्वेशन। इससे पहले जो वीडियोस थे उनमें हमने सीखा था लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब हम देखेंगे, बताया था लास्ट वीडियोस में कि लिनियर इक्वेशन में बेसिकली या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करते हैं, तो क्वेश्चन ये नहीं आते सिंपल कि आपको इक्वेशन देके दे विल आस्क यू कि सॉल्व इट। वो आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली जो ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें वो कोई कंडीशन देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, हमें स्टेटमेंट से लिनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है, फिर हमें सिंप्लीफाई करना होता है। डेली लाइफ में इनका यही यूज है। अब चलिए हम देखते हैं इस वीडियोस के अंदर, तो हम बेसिक वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम देख रहे हैं, उसके बाद जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी में दी गई है वो एक एक करके हम उनको समझेंगे। चलिए अब देखिए, बात आती है बच्चों की, जब हम वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चंस हमें गिवन है ना, हमें उनके स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। क्योंकि एवरी इंफॉर्मेशन जो भी स्टेटमेंट या क्वेश्चंस में दी जाती है, हर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल है, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद जो बात आती है कि जब हम वेरिएबल हम जो लेट करते हैं एक्स और वाई, तो हम वेरिएबल किसको लेट करें ये भी, तो वो इसी क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट हमें दी गई है बच्चों, इसमें हम समझेंगे कि एक्स वाई किसको कैसे लेट करें और ये हमें पता कैसे चलेगा, और फिर वो इक्वेशन फॉर्म करने की जो कंडीशंस दी गई है उनको हम इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम बच्चों चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने बहुत सिंपल कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ यू बाई 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹46। देखिए कि अगर हम बैंगलोर बस स्टैंड पे 2 टिकट मलेश्वरम की परचेज करते हैं और 3 टिकट परचेज करते हैं यशवंतपुर की, तो टोटल कॉस्ट जो हमारी आती है दैट इज ₹46। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी गई है ना। यहां से यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें उन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी है कि 2 टिकट मलेश्वरम की और 3 टिकट यशवंतपुर की कॉस्ट है ₹46। दाउन सेमी कॉलम्स, और यहां के बाद फिर हमारी दूसरी स्टेटमेंट आती है, बट इफ वी बाय द 3 टिकट टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹74। यानी कि अगर हम 3 टिकट लेते हैं मलेश्वरम के और 5 टिकट लेते हैं यशवंतपुर के, तो जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी ₹74 है। सो दे आर आस्किंग फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू द मलेश्वरम एंड द यशवंतपुर। तो एक्चुअली में बेंगलोर बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का कितना फेयर है और यशवंतपुर तक का कितना फेयर है, यानी दे आर आस्किंग द रेट ऑफ द सिंगल टिकट इफ यू बाई इंडिविजुअली फॉर द मलेश्वरम एंड द यशवंतपुर। तो सबसे पहले जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, जो हम एक्स वाई लेट करते हैं लिनियर इक्वेशंस में, वेरिएबल हम उनको लेट करते हैं जो हमें नहीं पता या जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उसमें वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे मलेश्वरम और यशवंतपुर का बस फेयर पूछ रहे हैं। तो व्हाट विल वी डू, हम लेट कर लेंगे कि लेट मलेश्वरम का जो बस फेयर है डेट इज ₹X और यशवंतपुर का जो बस फेयर है डेट इज ₹Y। तो ये हमने लेट कर लिया कि मलेश्वरम का बस फेयर ₹X है, यशवंतपुर का बस फेयर ₹Y है। इट्स वेरी सिंपल। अब हम आते हैं, हमने वेरिएबल लेट कर लिया, वेरिएबल उन्हीं को लेट करना है जो वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। अब आती है बात कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए उन्होंने ये 2 कंडीशन हमें दी है, 2 कंडीशन मतलब 2 लिनियर इक्वेशन। और ये बात मैंने बताई थी पिछली वीडियो में कि जब तक अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हमें एटलीस्ट 2 लिनियर इक्वेशन की जरूरत होती है जब उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहली इक्वेशन से इक्वेशन बनाते हैं। क्या कहा उन्होंने, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा कि अगर 2 टिकट है मलेश्वरम की और 3 टिकट है यशवंतपुर की, तो कॉस्टिंग है ₹46। इट्स वेरी सिंपल। मलेश्वरम के 1 टिकट का प्राइस हमने कितना लेट किया एक्स, तो नाउ टेल मी कि 2 टिकट अगर हम परचेज करते हैं तो कितना प्राइस लगेगा। इट्स वेरी सिंपल, 2 × x, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ टिकट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 टिकट के प्राइस से, प्लस 3 टिकट ऑफ यशवंतपुर, यशवंतपुर के टिकट का प्राइस वाई है 3 टिकट्स, तो टोटल प्राइस हो गया हमारा 3Y। और ये जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर आया, जो टोटल प्राइस आया था वो आया था ₹46। सो हियर वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड इक्वेशन, अगर हम 3 टिकट परचेज करें, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा और आपने इक्वेशंस बना भी ली होगी, देन द 3x, 3 टिकट्स फॉर मलेश्वरम जो x था, 1 टिकट मलेश्वरम का उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, प्लस इट्स 5 × y बिकॉज 5 टिकट फॉर द यशवंतपुर और यशवंतपुर के 1 टिकट का प्राइस है वाई, तो टोटल हो गया 5y और ये क्वांटिटी हमारी है कितनी ₹74। नाउ वी हैव द 2 लीनियर इक्वेशन सेपरेटली, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए जो मैक्सिमम केसेस में वो ये बोलते नहीं है कि आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि उसमें आप पर्टिकुलरली इसी मैथड से सॉल्व करो,
ओके तो तीनों में से कोई एक मेथड आपको अच्छे तरीके से जो आता है आप उन्हीं मेथड का इस्तेमाल करो, लेकिन हाँ तीनों मेथड जानने जरूरी है कि मान लीजिए इन एनी केस अगर उन्होंने ऐसा मेंशन कर दिया कि नहीं इनको इसी मेथड से सॉल्व करना है तो आपको वो मेथड आना चाहिए। ठीक है, तब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और फिर इनको आप फाइंड आउट कीजिए कि इनके आंसर्स क्या होंगे। इनको जैसे मैं सॉल्व करूं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश मेथड से मैं सॉल्व करूं, सो व्हाट वी हैव टू डू, एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने प्लस फाइव से और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने थ्री से, सो वी हैव टेन एक्स प्लस फिफ्टीन वाई दैट इज इक्वल टू 230, देन यहां पे हमारा आ गया 9x प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 222, सब्ट्रैक्ट करेंगे ओके सो वी हैव द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू चली गई 10x माइनस 9x इट इज x एंड दैट इज इक्वल टू 8, तो कितना फेयर आ गया x यानी मलेश्वरम का कितना फेयर आ गया हमारा 8 रुपीज। अब सिमिलरली इसी तरह हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन से पुट करके, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें दैट इज 2x प्लस सॉरी 3y इक्वल टू 46, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 8, 8 इनटू 2 इज 16 प्लस 3y इट इज इक्वल टू 46, सो 3y 46 माइनस 16 दैट इज 30 एंड y इक्वल टू 10, तो ये सब पुल के टिकट का फेयर है 10 रुपीज। ओके तो ये हमारा सिंपल आराम से हमने इनको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको और भी वर्ड प्रॉब्लम दिए गए। अब जो कुछ टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल डबल डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या फिर हमारे फिक्स प्राइस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, फिर हम लिनियर इक्वेशंस में हम सॉल्व करेंगे जहां पे हमारे पास अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगली इस वीडियोस के अंदर हम एक एक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको ये जरूर क्लियर हो गया कि कोई भी स्टेटमेंट अगर दी जाए तो उनको हम लिनियर इक्वेशंस में कैसे सॉल्व करते हैं।